हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड हम लोग देखेंगे कल के दिन 13 फेब को ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से दिखा सकता है और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा हम लोग यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, ठीक है, हम सभी को पता है कि ये ऊपर की ओर यहाँ पे आके हॉल्ट कर रहा है एंड ऑल। अभी आज के दिन देखेंगे तो जैसा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था उसी तरह का एक कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक फ्लो क्लियर नहीं हो पा रहा है किस तरीके ये किस तरफ जाएगा और जो ये ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ पे आज के दिन सपोर्ट किया है। तो ऐसे सिनारियों में अगर ऊपर की ओर ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड नीचे की ओर बात करेंगे तो जब तक 2850 का लेवल यहाँ पर ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम लोग नीचे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसको आने देंगे नीचे। आने के बाद जब ये इस तरीके से अगर प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने की कोशिश करता है तो वेल एंड गुड है, अगर थोड़ा ऊपर जाके भी नीचे इस तरीके से ब्रेक करता है तब हम लोग यहाँ पे इसको मानेंगे ये थोड़ा सा ये अभी अब इसमें डाउन डाउन साइड शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है और हमें इन लेवल्स को ये दिखा सकता है। अदरवाइज हम लोग जब तक इसके अंदर है तब तक हम लोग बुलिश रहेंगे एंड यहाँ पे अगर ये लेवल निकालता है तब हम लोग बाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी बाई करेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एक छोटे एसएल के साथ ही हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, क्योंकि हम लोग को मार्केट ट्रेंड के साथ हम लोगों को इसमें पोजिशन बना के रखना है, राइट। जिसके पास बहुत पहले से है उन सभी लोगों को तो रिलायंस जैसे बहुत ही अच्छा शेयर है तो लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं तो उनको वो होल्ड करके ही रखना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे तो वीकली में देखेंगे तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल टाइप अभी सिनारियो क्रिएट हो रहा होगा, जैसा कि लास्ट वीक में हमने देखा था यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन रहा है, ठीक है। ये इनसाइड कैंडल बना एंड अभी यहाँ पे इस तरीके से हुआ है, तो अगर इसके बाद यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज एक और इनसाइड कैंडल बना दे तो हमारे लिए बेस्ट है। जितना देर इसके अंदर रुके उतनी और ऊपर की ओर अपने आप को होल्ड कर रहा है वो हमारे लिए उतना ही बेस्ट है, क्योंकि जितना दिनों बाद यहाँ से निकलेगा उतनी तेजी से और उतना ज़्यादा ऊपर ये जा पाएगा, राइट। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी हमारे लिए कुछ नहीं है, डायरेक्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग कल के लिए वो उस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि ये ट्रेंड लाइन अभी भी यहाँ पे, ठीक है, ट्रेंड लाइन अभी भी यहाँ पे फॉलो कर रहा है और यहाँ पे जो नीचे के हमारे लेवल्स थे वो 2860 के नीचे थे, तो हम लोग लगभग लगभग इसको 2860 रहने देंगे। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो पहला टारगेट हम लोग 840 का यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर की ओर जो है ऊपर की ओर जैसा कि हमने 2950 का लेवल है तो 2954 के आसपास का जो लेवल ये ब्रेक करेगा तब हम लोग लगभग लगभग यहाँ से 10 to 20 rupees एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की ओर देख सकते हैं। उसके ऊपर भी जा सकता है लेकिन हम लोग इतना ही यहाँ पे अपने लेवल्स लेके चलेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे रेंज इतना बना है तो इतना रेंज बना है तो उसके हिसाब से 1:1 प्लॉट करेंगे तो लगभग लगभग 23,000 के आसपास का हम लोग वो टारगेट निकल के आएगा। तो जब तक इसके बाहर नहीं निकलता तब तक हम लोग यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अपनी तरफ से कोई भी मोमेंटम नहीं करेंगे, अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। तो कोई भी डिसीजन लें उसके पहले खुद के अंदर से ज़रूर करें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।